तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई और मैंने सबसे पहले साबुनदाना का पापड़ बनाने के लिए साबुनदाने को अच्छे से धोकर फुला दिया है 2-3 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में, किचन को क्लीन करके फिर मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई। आलू छील रही हूँ, आलू और परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि ड्यूटी जाना है तो जल्दी जल्दी नाश्ता भी तैयार करना है। तो मैं अपना रोज़ का जो रूटीन रहता है अपना, मॉर्निंग वॉक करके आकर सारे काम सारा अपना एक्सरसाइज वगैरह करके और फिर ये सब कामों में लग जाती हूँ रोज़, क्योंकि ये इस काम भी ज़रूरी है। और नाश्ता बनाना तो बिल्कुल, क्योंकि ड्यूटी जाना है उसके कारण। तो देखिए, मैं अपने किचन की सफाई के साथ साथ अपना काम भी कर रही हूँ। तो मैंने आज सोचा कि आज आलू परवल की सब्ज़ी मैं कुकर में बनाऊँगी। पहले कढ़ाई बैठाई थी, फिर मन किया कुकर में, क्योंकि अगर मैं कभी मतलब बाई चांस दाल नहीं बना पाऊँ तो सब्जी चावल भी हम लोग खा लेंगे अच्छे से। रस वाला सब्जी बनाती हूँ मैं। तो इस तरह से जल्दी जल्दी मैं कुकर में आलू परवल के साथ फ्राई कर दी हूँ और फिर उसमें मसाले भी डाल दी हूँ। मसाले को हल्का सा फ्राई करके फिर मैं उसमें सीटी लगा देती हूँ तो अच्छा खासा टेस्टी सब्जी बन जाता है। ऐसा बात नहीं है, चावल पे खाने लायक। और तो इस तरह से मैं झटपट ये सारे काम करके फिर जल्दी से रोटी भी मैं तैयार कर लूँगी, क्योंकि लंच इनको ड्यूटी जाना रहता है। अभी आजकल पहले ही जा रहे हैं, वहाँ बहुत काम पड़ जा हो जाता है तो नहीं, थोड़ा सा लेट होता है तो फ़ोन आने लगता है। इसलिए मैं झटपट जल्दी से नाश्ता बना दे रही हूँ कि अपना वो टाइम पर चले जाए ड्यूटी। इस तरह से तो देखिए, मैं आटे सान कर साथ में इधर सब्जी भी देख रही हूँ, उधर आटे भी सान रही हूँ, फिर रोटी झटपट बनाकर फिर मैं अपने साबुनदाने के काम में लग जाती हूँ। इन लोग को नाश्ता करा कर, दोनों बच्चे और हस्बैंड को नाश्ता करा कर फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ आगे। और उसके बाद तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं झाड़ू पोछा करके फिर लग गई अपने साबुनदाने की तरफ। साबुनदाने मेरे अच्छे से फूल गए हैं, 2-3 घंटे मैंने अच्छे से फुला दिया उनको। और फिर मैं एक पतीले में पानी डाल रही हूँ सादा, और उसमें मैं साबुनदानों को डाल दी। और फिर उसके बाद मैं उसमें नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने गुलती जीरे का पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला है, और फिर मैंने इसमें काला जीरा डाला है। इन सबको मिक्स करके और फिर मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, पूरा खोलने लगे, तब मैं इसे बंद करके, गैस बंद करके और कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें सोडा डाला था, खाने वाला सोडा माइनर। तो ये देखिए, ये बहुत पतला अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। मैंने इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ा, पर ये गाढ़ा नहीं हुआ। वही गलती हो गई कि मतलब थोड़ा सा ये बहुत पतला था, जिससे बहुत ज़्यादा ही फैल जा रहा था। तो देखिए, मैंने ऑयल लगा लिया है प्लास्टिक के बोरे पे और उस पर हम लोग साबुनदाना फैलाते जा रहे हैं। और मेरे बच्चे भी इसमें मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत हेल्प मिल गया बच्चों की मदद से। पर वो इतना गीला था कि तुरंत वो फैल जा रहा था, एक दूसरे में टच हो जा रहा था। तो चलिए, हम लोग का तो साबुनदाना कम्प्लीट हो गया। फिर बच्चे जाकर अपना इंजॉय करने लगे नहाने के लिए, तो पीछे मोटर चालू करके इन लोगों ने नहाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अनन्या मम ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई हो पापा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, सारे काम हो चुके हैं, बहुत लेट हो चुका है, आज मैं बहुत थक गई हूँ। एक्चुअली मैं बना रही थी साबुनदाने का पापड़, जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बनाया है और मैंने कभी नहीं बनाया था। मम्मी को देखती थी छोटे पे बनाते हुए, शादी से पहले बनाते हुए मम्मी बहुत बनाती थी, तो मैंने कभी नहीं बनाया था। पर इस बार मैंने बनाया। एक्चुअली मैं साबुनदाना मंगवाती ही नहीं थी, मंगवाई थी वो एक्चुअली मेरी देवरानी आई थी, तो किसी शायद उसका फास्टिंग था कुछ था, उसने मंगवाया था तो वही साबुनदाना रह गया था। तो मैंने सोचा कि तब क्या करें इसका, तो एक बार खीर बनाई थी फिर रह गया था, तो मैंने सोचा चलो इसका पापड़ ही बना देते हैं। सासू माँ आलू का चिप्स मांगी हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा साबुनदाना का भी चिप्स बना कर दे दूँगी, आलू वाला तो बनाऊँगी ही, तो भी आपसे शेयर करूँगी। तो वही बनाने में मुझे लेट हो गया। और देखिए, जल्दी जल्दी बस मैं नहा कर अब नाश्ता कर रही हूँ। ऐसे मैं नहाने से पहले वाटर मिलन और थोड़ा सा खीरा मैंने खा लिया था, फल था घर में तो मीठा मीठा मैंने खा लिया। एक्चुअली पूजा भी करना रहता है ना, तो इसलिए नमक नहीं खाती। तो अब चल रही हूँ नाश्ता करने। तो मैंने लिया है आलू परवल की सब्जी रोटी, और मैं कल रात को चाय नहीं पी थी तो बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, तो मेरी चाय बन रही है जल्दी से, थोड़ा सा ही पीऊँगी पर चाहिए। तो इस तरह से चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम फिर नाश्ता करने के बाद। और फिर
लोगों ने ये और इसका भैया दोनों बस बाहर मोटर ऑन करके पूरा स्विमिंग पूल बनाकर बहुत देर तक इन लोगों ने नहाया ठंडे ठंडे पानी से। तो चलिए मैं चलती हूँ नाश्ता करने, और लंच का भी बहुत, हाँ लंच का भी लेट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी लंच भी मुझे रेडी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी। और ऐसा हो रहा है कि सुबह मैंने देखा तो अच्छा खासा धूप था, और मैंने आज चिप्स बनाया है, तो आज मौसम भी थोड़ा सा ये रह रहा है, कभी धूप कभी छांव, बहुत टेंशन लग रहा है, पता नहीं कैसे मैं धूप। मेरा सबसे फेवरेट सब्जी है आलू। और पता नहीं कैसे सूखेगा, सूखेगा तो ठीक है, अभी तो धूप निकला है, कभी कभी छांव हो जा रहा है, देखिए कितना तेज धूप है, और कभी छांव हो जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन है। मैं बाहर स्विमिंग पूल बनाई थी तो बाल्टी में जाकर ऐसे बोट चलाने लगी। हाँ, बोट चला रही थी। तो चलिए फिर मैं जाऊंगी अभी छत पे देखने, तो फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी नाश्ता कर लूँ, मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए लगातार बन रही है मैं इस ब्लॉग में, और जैसा जैसा मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। और खैर सब बनाने का रेसिपी तो शेयर करूंगी, पहली बार वो भी बनाया, पता नहीं कैसा बना होगा, नमक वगैरह कोई भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत मम्मी से पूछा, दीदी से पूछा, ये पता नहीं कैसा बनता है, वो तो सूखने पर और छानने पर पता चलेगा। तो चलिए तब तक के लिए बने रहिए मैं इस ब्लॉग में, जैसा जैसा होगा मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स नाश्ता मेरा हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। तो ये देखिए मैंने कुंदरू है, इसे मैंने धो कर पहले से ही रख ली है, अब इसमें मैं काटने जाऊंगी, काटूंगी। और सुबह जो मैंने सब्जी बनाया था कुकर में, तो उसे मैं खाली करके फिर इसमें दाल रखने जा रही हूँ, आई मीन बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं फटाफट करने, बहुत लेट हो चुका है आज पापड़ के चक्कर में, अभी तक तो पापड़ देखने भी मैं नहीं गई, जा रही हूँ करने को, बोलूँगी थोड़ा देख के आ जाए, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी आराम से देखने। तो चलिए जल्दी से झटपट लगती हैं काम में, और फिर मिलते हैं आपसे, और फिर जैसा होगा। तो देखिए अब मैं लग गई हूँ लंच की तैयारी में, तो यहाँ कुंदरू है, कुंदरू का भुजिया मैं बना रही हूँ, और सुबह सब मैंने परवल आलू की सब्ज़ी बना चुकी हूँ, और फिर मैं एक तरफ चावल बना रही हूँ, इस तरह से मेरा लंच भी रेडी हो गया। अब चलिए मैं देखने चल रही हूँ अपना पापा, चलो छत पे और चिप्स को देखने क्या है, क्या हाल है। और ये देखिए ये है अलार्म, और जब हम लोग वहाँ से नीचे से मोटर ऑन करते हैं तो यहाँ भी इसका स्विच ऑन करना पड़ता है, और जैसे ही टंकी का पानी भर जाता है तो ये अब बजने लगता है और बोलता है कि टंकी का पानी भर चुका है, प्लीज़ अलार्म ऑफ कीजिए, इस तरह से। तो चलिए जैसा कि मैंने कहा था कि धूप छाँव हो रहा है, पता नहीं मेरा चिप्स का क्या हाल हुआ, देखते हैं। ये देखिए ऐसी चिप्स, धूप उतना हार्ड नहीं है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हल्का हल्का ऊपर से सूख चुका है, अंदर अभी गीला है, तो थोड़ा देर बाद अभी और देखती हूँ। धूप तो ऐसे पैर तो जल रहे हैं छत पे, मैंने चप्पल भी नहीं, स्लीपर भी नहीं पहना। हाँ बोलो, मैं वो ग्लव्स खा लूँ। हाँ तो चलिए, पापड़ तो अच्छे से सूख रहे हैं, ऊपर सूख चुका है, अंदर अभी थोड़ा बहुत गीला है, तो पर अभी उखाड़ूंगी नहीं, थोड़ा देर और धूप लग जाए अच्छे से। आज ऐसा मौसम हो गया है, कल बहुत तेज़ धूप था, मैं कल ही बनाने वाली थी पर मौसम के ही चक्कर में मैं रह गई कि मौसम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। और आज जब सोचा कि चलो मौसम अच्छा होगा तो आज ख़राब हो गया, आज मैंने बनाया तो कल सोचती रह गई, तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत हार्ड धूप था कल, और यहाँ धूप छाँव हो रहा है, पर कुछ तो अच्छे से सूख जाए ताकि कल डाल दूंगी तो और अच्छे से सूख जाएगा, बस गीला जो है वो टाइट हो जाए। तो चलिए बहुत गर्मी लग रहा है, चलते हैं नीचे, चलती हूँ नीचे और फिर सबको खाना देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पापड़ को पलट दिया है, अभी बच्चों को भेजकर पापड़ को पलट दिया है साबुनदाने का, तो अभी भी हल्का फुल्का गीला है, क्योंकि बोली नहीं आज मौसम भी बहुत ही नरम हुआ है, लेकिन ठीक से सूखा है। आज और मम्मी ने चिमकी वाले में ज्यादा डाले था, आज मौसम में ज्यादा धूप नहीं था तो नहीं सूखा। आज धूप ज्यादा नहीं था, धूप छांव हो रहा है, इसीलिए कोई कोई अच्छे से सूख गया है, कोई कोई नहीं। डर लग रहा है कि अब हल्का हो गया है सूखने से, तो हवा चलेगा तो हो जाएगा, नहीं सूखा है। तो थोड़ा देर और मैं इसे छोड़ूंगी, उसके बाद फिर सबको ले जाऊंगी नीचे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पापड़ तो कुछ कुछ सूखे हैं, कुछ कुछ गीले हैं, क्योंकि घोल भी गीला हो गया था इसी के कारण। तो चलिए यहीं मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर पापड़ में साबूदाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए।